तो दोस्तों ये है सारंगी वाद्य यंत्र, देखिए दादाजी कितने शानदार और प्यारे मधुर आवाज में इसको बजाते हुए। वाह, ये राजस्थान की पहचान हमारी है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो सुबह का राम राम सभी को, सभी भाइयों को। और फिलहाल देखिए राजस्थान रॉयल्स वर्सेज आरसीबी का जो मैच था उसमें राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मार दी है और जॉस द बॉस ने सेंचुरी मार के इसकी टीम को हरा दिया है। हालांकि विराट कोहली ने भी सेंचुरी मारी है, लेकिन फिलहाल देखिए हम हैं होटल के अंदर और अब हम चेकआउट करने वाले कुछ ही देर में। और आज हम जाने वाले नारगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। और तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि आरआर वर्सेस आरसीबी का जो मैच था उसका व्लॉग मैं आज अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। तो फिलहाल देखिए हम होटल के अंदर है, भाई लोग सभी यहाँ पे सो रहे हैं आराम से। बैक कैमरे से आपको व्यू दिखाऊंगा होटल का, है ना। तो थोड़ा बहुत मजा यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखिए भाई सुरेंद्र आरआर की टोपी लगा के बैठा है। और ये देखिए भाई, हेलो गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग। ये देखिए, हाँ भाई एंजॉय करो, एंजॉय, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो सुरेंद्र, लेट्स गो, लेट्स गो। हाँ वापस। तो भाई लोग देखिए होटल में एंजॉय कर रहे हैं। भाई सुरेंद्र लेट्स गो, लेट्स गो। तो भाई सुरेंद्र को देखिए, फिलहाल हम होटल के अंदर हैं। ये देखिए तो हम कुछ या तो पूरा पैसा वसूल होटल में। और यहाँ से हम थोड़ी देर में चेकआउट करने वाले हैं, भाई लोग थोड़ा रेडी हो जाइए, उसके बाद में हम जाने वाले हैं। दीदी के पास जाएंगे पहले, उसके बाद हम नारगढ़ का सोचेंगे। सुबह का नाश्ता कर लेते हैं खोया के साथ, आप भी कर लीजिएगा। ये देखिए भाई लोग नाश्ता कर रहे हैं, फिलहाल भूख लग रही है तो थोड़ा नाश्ता वगैरह हो जाए। ये देखिए भाई, तो जयपुर में हम हैं फिलहाल सिंधी गेम बस स्टैंड, ठीक है। यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं। तो भाई हम थोड़ी देर में यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं, उसके बाद जाएंगे हम दीदी के पास और वहां से हम जाएंगे नारगढ़ दुर्ग की तरफ, ठीक है। तो अभी हम नहा लेते हैं, निकलते हैं, तो बना रहेगा वीडियो में। और नया तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई फिलहाल हम नहा धो के सभी लोग रेडी हो चुके हैं। ये देखिए भाई साहब, सभी लोग रेडी हो चुके हैं और कुछ ही देर में हम होटल से चेकआउट होने वाले हैं और जाने वाले हैं लॉन्ग टूर पे, है ना। तो आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये देखिए, ये भाई राम अवतार कुत्ता। आज ये इसका जो कोचिंग का पता नहीं क्या है, लेकिन ये गया नहीं, ठीक है। और ये भाई सुरेंद्र डेयरी से आज छुट्टी लेके आया है। और भाई कलराम है जी, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक से बोल रहा हूँ। और ये हेलो गाइस, देख सकते हैं आप, हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं और अब घूमने की तैयारी है। आपको दिखाएंगे अलग अलग दृश्य, देख सकते हैं आप। देखिए ये हमारी गाड़ी निकल चुकी है, देख सकते हैं आप जाने के लिए। गाइस ये हमारे पांच मामा हैं, ये खाना खाने आए हैं गांव से। हाय गाइस, तो आज हमारे मामा आए हमारे घर पे खाना खाने। सिर्फ हमारे घर पे खाना खाने आते हैं। सो गाइस मेरा दोस्त कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आ रहा है, तो उसको थोड़ा दिखाते जूम करके। और दो देख रही है, बटन बंद कर रहा है अभी, है ना, शर्ट खोल के आराम से घूम रहा था। ये देखिए भाई लोगों, फोटो लेने वाली मस्त। सो गाइस फिलहाल हम निकल चुके हैं नारगढ़ दुर्ग की तरफ, तो हम उसी रूट पे खड़े हैं
जहाँ से नारगढ़ जाने का रास्ता भी आता है और आमेर दुर्ग जाने का भी, और नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी, जहाँ पे अन्य अभ्यारण आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो आज जयपुर में हम घूमने वाले हैं अच्छे से आराम से, और हालांकि जो जयपुर वैसे आरसीबी का जो मैच था उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो देख लीजिएगा पूरा। और देखिए भाई माजा लेके आया, तो माजा पियो और गर्मी को उड़ाओ। सो गाइस माजा पी लीजिएगा ना, गर्मी के अंदर माजा पीने जा नहीं है, जंगल एरिया में आ गया दोस्त। सो गाइस आओ को नहीं हो चीता पीता ना हो आवे सब। तो फिलहाल हम जा रहे हैं आमेर दुर्ग, कहा जा रहे हैं? और ये सामने देखिए ये जो रास्ता जाता है ये जाता है नारगढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग, एक रूट पे जाता है, सीधा हम जा रहे हैं आमेर दुर्ग, आमेर मेल जा रहे हैं फिलहाल। सो गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं नारगढ़ दुर्ग, फिलहाल आप आमेर, अरे यार आमेर, हाँ आमेर दुर्ग। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये व्यू, ये जो आमेर दुर्ग, आमेर फोर्ट हो रहा है, ऊपर जाना है गाड़ी लेके, सीधे आगे बैंक है, बैंक से गली जा रही है। ओके धन्यवाद। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है आमेर दुर्ग, तो हम जाने वाले हैं आमेर दुर्ग के अंदर, और भाई साहब बाहर से तो बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है, आमेर दुर्ग की जो सुंदरता है आप देख सकते हैं बाहर से। ये एक बार तालाब सा बना हुआ है जहाँ पे बारिश का पानी आता है तब ये बढ़ जाता है। वाओ ब्यूटीफुल वेरी नाइस। दीख नजर है मेरे में तो राजस्थान के अंदर आपको ये दुर्ग है, राजस्थान की पहचान है, किसी नंबर पर दुर्ग है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है वो दुर्ग। अरे किसी नंबर पर है, नंबर उम्र कहाँ कई कई मामला में नंबर चित्तौड़ को है, जान सब बड़ो दुर्ग रेवासी दुर्ग तो आपने चित्तौड़ वालों है, दूसरे नंबर पर जैसलमेर को है, तार फोन आ रही है। पहले कई साधन को ऊपर लेर जा, बहुत सामान आने देख लब तू आदमी लेर जावा सब। लकपट 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 अरे हट इधर ना, देखो दे नहीं हट लगावा लगा नहीं लगा तू तो हट लगाए लगा लगा बाहर परी वो बाहर रही हो बाहर बाहर रही हो अपन बाहर तू जाई बस रेडी बाहर पकड़ लेगी यार निकलवा दे यार हट यार पहले भी तो घड़ी ही नहीं है तो मेजर है मेजर ही तो ही केवल यार। सो गाइस फिलहाल हम आमेर दुर्ग में जा रहे हैं, ये देखिए बाहर का व्यू, वाओ ये देखिए। हम जा रहे हैं भाई साहब आमेर दुर्ग में सारंगी वाद्य यंत्र, यहाँ से देखिएगा। तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं पहले, वाओ यहाँ पे देखिए सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हुए बाहर, तो दोस्तों ये है सारंगी वाद्य यंत्र, देखिए दादाजी कितने शानदार और प्यारे मधुर आवाज में इसको बजाते हुए, वाह ये राजस्थान की पहचान हमारी है ना। सो गाइस
फिलहाल हम आ चुके हैं आमेर दुर्ग के अंदर। ये देखिए व्यू यहाँ से। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आमेर दुर्ग के बारे में थोड़ी जानकारी बता देता हूँ। आमेर किले का सबसे जो पहले निर्माण राजा कोकिल देव ने करवाया था, 11वीं सदी में शुरू करवाया था, ठीक है। लेकिन बाद में 1592 में राजा मानसिंह ने इसे पूरा करवाया था। तो ये तो था इतिहास जो निर्माण करवाया था। सो दोस्तों, आमेर का दुर्ग एक पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पे आमेर के दुर्ग में सबसे पहले यहाँ पे मीणा जनजाति निवास करती थी। उसके बाद कछुआ राजवंश ने यहाँ पे शासन किया था और भाई साहब। सो दोस्तों, थोड़ी जानकारी के लिए और बता देता हूँ, ये लाल पत्थर और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ और संगमरमर से बना हुआ ये दुर्ग काफ़ी लोगों को आकर्षित करता अपनी ओर। और इसके अंदर शीश महल, जय मंदिर, सुख निवास आदि यहाँ पे अन्य जो निवास स्थल है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा व्यू देखिएगा एक बार। वाह, यहाँ पे टिकट खिड़की है। पहले देखते हैं टिकट कितने का मिलेगा, पूछ लेते हैं एक बार। देखिए टिकट काउंटर पे कितनी भीड़ लग रही है। वाह, इतनी ज़्यादा भीड़। सो गाइस, फिलहाल हमने टिकट ले लिया है, 5 लोगों का 510 रुपये। सो गाइस, फिलहाल हमने एंट्री कर ली है आमेर दुर्ग के अंदर। ये है आमेर दुर्ग और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का। देखिए, बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ ये दुर्ग काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए, वाह, बहुत ही प्यारा व्यू है। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये खूबसूरत दुर्ग अपनी शोभा काफ़ी सुंदरता से दर्शाता है। और ये देखिए, इसके अंदर शीश महल, दीवाने खास, अलग अलग इसमें महल बने हुए हैं छोटे मोटे। और ये देखिए भाई साहब, वाओ। सो गाइस, फिलहाल हम आ चुके हैं आमेर दुर्ग के अंदर। जहाँ पे हम खड़े हैं इसको बोलते हैं दीवाने खास महल है ये। और फिलहाल देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग का निर्माण स्वाजय सिंह ने करवाया था, उसका पुनर्निर्माण स्वाजय सिंह द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। और काफ़ी खूबसूरत ये दुर्ग है और संगमरमर और बलुआ पत्थर से बना हुआ काफ़ी खूबसूरत ये दुर्ग है। बहुत ही शानदार प्यारा दुर्ग है ये और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। हालांकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, धूप की वजह से वो फोटो में क्लिकबेट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था, लेकिन खूबसूरत है ये। ये देखिए, चारों तरफ आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसके अंदर सुख महल और दीवाने खास काफ़ी, मतलब इसके अंदर दुर्ग बने हुए छोटे छोटे। आई लाइक इट। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आमेर दुर्ग का बाहर का व्यू। वाओ, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। बाहर की तरफ एक झील भी बनी हुई है, तालाब जैसी। इसके अंदर बारिश का जो पानी है। ये है दीवाने आम महल। वाओ,
सो गाइस थोड़ा अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, कितने कमरे बना रखे हैं छोटे छोटे, देखिए भाई साहब देखिए ये है आमेर दुर्ग, ये देखिए छोटी छोटी हवेलियां बनी हुई है, वाह गुंबद के आकार की है, ये देखिए यहाँ पे पता नहीं क्या बना हुआ है, ये देखिए दोस्तों छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं बहुत सारे, ये देखिए भाई कैसा लग रहा है, वाह ये रानी वाला कुंड था और इसके अंदर वो स्नान कर दी थी, उधर से कुछ ये देखिए छतरी, इस छतरी से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए भाई वाव सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव 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 जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव सो गाइस देखिए वाव खूबसूरत व्यू, हालांकि आमेर दुर्ग में घूमने के बाद जो मजा है वास्तव में लाजवाब है, भाई 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 ऊपर चले ऊपर चले, भाई साहब शानदार व्यू है इसके अंदर का, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं काफी संख्या में, लोग लादे घर बैठे थे कुंड में आठ बार घूम रहे, ये देखिए ये सामने का सो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं जलमहल दुर्ग, ये देखिए जलमहल दुर्ग, तो यहाँ से व्यू आपको दिखाता हूँ जलमहल का, ये बीच में पानी के बीचों बीच बसा हुआ ये जलमहल है, काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा, हालांकि जानकारी के लिए बता देता हूँ अगर मैं नारगढ़ दुर्ग जाता तो वहाँ से इसको अगर हम देखते तो मतलब कि आपको बहुत ही शानदार और प्यारा व्यू आपको देखने को मिलता, क्योंकि नारगढ़ दुर्ग को जयपुर की आँख भी बोलते हैं, तीसरी आँख है ना, जिसे हम जयपुर को अच्छे से आराम से देख सकते हैं।